हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की थर्ड लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे पहले लेक्चर्स को नहीं देखा तो सबसे पहले वो जाके देखो, ताकि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। MSBT डिप्लोमा के सारे सिलेबस पे जो भी लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ, तो अगर आप MSBT डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल लेक्चर्स इस चैनल पर मिलेंगे आपको। और अगर आप किसी और भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो आप जो टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूँ वो टॉपिक ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में, चाहे आपको डिप्लोमा हो या डिग्री हो, आपको यही सारी टॉपिक्स पढ़नी है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि हमने सिमिलर टाइप के जॉब्स को एक कंबाइन किया था, मतलब एक कंबाइन करके ऑपरेटिंग सिस्टम को असाइन किया था। जो सपोज़ करो हमारे पास दो तीन जॉब थे वो सिमिलर थे, तो हमने उसको एक साथ असाइन किया था बैच बना के। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर हमारे प्रोसेसर को असाइन किया था। टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? अगर हम ये दो वर्ड्स को, पूरे टाइम शेयर्ड को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं इस वर्ड को, तो ये टाइम, ये शेयर्ड है। टाइम और शेयर्ड का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले टाइम और शेयर्ड मतलब आप टाइम को यहाँ पे शेयर कर रहे हो। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सिमिलर जॉब्स को एक साथ बैच में कंबाइन करते थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम को शेयर कर रहे हैं। सपोज करो आपके पास तीन डिफरेंट जॉब्स हैं, तो तीनों डिफरेंट जॉब्स के लिए हम सेपरेट सेपरेट टाइम असाइन करेंगे CPU को देने के लिए। तो यहाँ पे क्या होती है, जैसे जो फंक्शन परफॉर्म कैसे करता है, सपोज करो आपके पास तीन जॉब है अलग अलग, जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री। तो ये जो तीनों जॉब है, सपोज यहाँ ये हमारा OS है, ये CPU। तो ये जो तीनों जॉब है, ये तीनों को एक सेपरेट सेपरेट टाइम मिलेगा CPU से इंटरेक्ट करने का, मतलब अपने प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने का। सपोज करो हमारे पास ये, सपोज करो यहाँ हमारे पास ईमेल है, ये ईमेल है, MS Word हमने ओपन किया, यहाँ पे हमने पेंट ओपन किया। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये जो तीनों ऑपरेशंस हैं हमारे, ईमेल है, MS Word है या फिर पेंट है, तीनों को एक सेपरेट सेपरेट टाइम मिलेगा CPU से इंटरेक्ट करने का, मतलब अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का। जैसे अगर ईमेल को भी अपना एक सेपरेट टाइम मिलेगा, MS Word को भी सेपरेट टाइम मिलेगा, पेंट को भी सेपरेट टाइम मिलेगा, सिंगल CPU सिस्टम मिलेगा। इसका मतलब था सिंगल CPU सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा था कि हमने सिमिलर जॉब्स को कंबाइन किया था, बट यहाँ पर हर एक जॉब के लिए हमने सिंगल टाइम को मैनेज किया, टाइम को असाइन किया है CPU के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम में इससे जो क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे लिखना, सबसे पहले आपको डेफिनेशन डालनी है टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके बाद आपको ये डायग्राम 100% बनाना है, क्योंकि थ्योरी पेपर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है डायग्राम्स। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना, 2 से 3 लाइन के डेफिनेशन देनी है डायग्राम, देन उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं आपको अभी बताऊँगा इसी वीडियो में। इसके बाद पहले आपने कोई अगर ये समझ में आ गया, कुछ भी इन चीज़ों में डाउट आ रही टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में, कॉन्सेप्ट्स बहुत छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको इस डायग्राम में या फिर टाइम शेयर के डेफिनेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। जितने भी नोट्स हैं इसके मैं आपको लेक्चर्स के बाद दे दिया करूँगा, जब लेक्चर्स हमारे खत्म होंगे उसके बाद मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप डेफिनेशन की टेंशन बिल्कुल मत लो, अभी बस आप कॉन्सेप्ट को समझो कि टाइम शेयर का मतलब क्या होता है। अगर आप इसको लॉजिकल सोचो तो टाइम को हम शेयर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स में, मतलब अगर सपोज करो हमारे पास एक्स टाइम है, सपोज करो हमारे पास एक्स मिनट का टाइम है, ये हमने एक हिपोथेटिकल सिचुएशन लिया है, एक्स मिनट का हमारे पास टाइम है, तो हम एक्स का जो हमारे पास टाइम है उसको हम सपोज करो तीन जॉब के लिए ब्रेक करें, x/3। हमने तीन पार्ट में एक्स को ब्रेक कर दिया, x1 किया, एक x2 किया, एक x3 किया, मतलब हमने तीनों के लिए सेपरेट सेपरेट टाइम दे दिया, जॉब वन के लिए, जॉब टू के लिए, जॉब थ्री के लिए। तो ये जो पूरा फंक्शन ऐसे परफॉर्म करता है, ये होता है टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हर एक टॉपिक के बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में कम से कम आपको 10 से 12 नंबर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने के लिए 100% मेरी गारंटी है। तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत अच्छे से आना चाहिए। एडवांटेज की हम बात करें टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो सबसे पहला एडवांटेज है ईच टास्क गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया कि यहाँ पे हम हर एक टास्क को एक सेपरेट टाइम असाइन कर रहे हैं, एक सेपरेट मेमोरी, एक सेपरेट प्रोसेसिंग पावर दे रहे हैं, उसकी वजह से जो हर एक टास्क है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है परफॉर्म करने के लिए। सबसे बड़ी और सबसे पहली इसकी एडवांटेज है, प्रो में आती है, प्रोज में आती है। उसके बाद हम बात करते हैं लेस चांस ऑफ डुप्लीकेशन। यहाँ पर डुप्लीकेशन होने की भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसका भी रीजन सेम है कि हम हर एक टास्क को एक अलग सेपरेट टाइम देते हैं, तो वहाँ पर डुप्लीकेशन होने की चांसेस
चांसेस बहुत कम होती है। सीपीयू आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस। सीपीयू आइडल टाइम का मतलब क्या होता है? आइडल टाइम का मतलब सीपीयू कितना देर तक वेट करेगा, वेटिंग स्टेट में रहेगा। यहाँ पे क्योंकि हम हर एक जॉब को अलग टाइम असाइन कर रहे हैं तो सीपीयू की जो वेटिंग टाइम होती है वो कम हो जाती है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, सबसे पहला डिसएडवांटेज रिलायबिलिटी प्रॉब्लम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कंपेयर किया हमने तो। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी की। जो टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें सिक्योरिटी की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी की जब आप फाइल्स को सिक्योर करते हो वो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा लो होता है। जब आपको किसी को एक्सेस देना है, अगर आपके अपने फाइल्स को थोड़ा सा हिडन रखना, अगर आप चाहते हो कि उस पर डॉस अटैक इस टाइप के अटैक्स ना हो, उसके लिए जो टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे डेटा शेयरिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हो, जैसे आपको लैन का हो गया, वैन का हो गया, FTP हो गया, लोकल होस्ट टू सर्वर हो गया, इन चीज़ों में भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं डेटा कम्युनिकेशन में। तो ये थी एडवांटेज और डिसएडवांटेज टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ गए होंगे। जैसे हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था वैसे ये टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम थी, और ये जो पूरी वीडियो थी पूरी टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थी। तो ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डिप्लोमा की थर्ड लेक्चर्स थी, और आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी टॉपिक। अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज करो कुछ भी आपके डाउट हैं तो। अगर आप एक कॉलेज के स्टाफ हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट को आप शेयर कर सकते हो अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स से, ताकि उनको भी इस लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी फ़ायदा हो। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एडवांस जावा के लेक्चर्स मैं ऑलरेडी इसी चैनल पर ले रहा हूँ, और अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के भी लेक्चर्स हमने शुरू किए हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको सारे कंटेंट्स टाइम पे मिलते रहा कर। एग्ज़ाम अपडेट्स, ट्यूटोरियल्स, ये सब मैं इस चैनल पे डालते रहता हूँ। डिस्क्रीट मैथ्स के भी बहुत जल्दी लेक्चर्स आने वाली हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए गुड डे।